अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपको इंतहाई सस्ती तरीन मार्केट जो कि लेडीज़ के हवाले से है, वहाँ बेकिंग आइटम्स और किचन के आइटम्स बहुत ही मुनासिब रेट में मिल जाते हैं। तो यह है कराची का मशहूर तरीन हिस्सा, या ये कह लें कि ये यहाँ खाने की ये जो लवाजमात है वो बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई सस्ती डिशेज यहाँ मिलती हैं। यहाँ जो है कराची हलीम है और बाबा रबड़ी है और स्टूडेंट बिरयानी है, यानी तमाम, यानी ये समझ लें कि यहाँ पर जो मेमन कम्युनिटी है वो यहाँ पर उनकी अक्सरियत है और यहाँ पर खाने पीने के जो आइटम्स हैं वो बहुत मुनासिब और सस्ते मिल जाते हैं। तो ये है हिरा बेकिंग के नाम से जहाँ मैं आपको लेकर आ रही हूँ। ये बहुत ही मशहूर पट्टी है हुसैनाबाद की। यहाँ पर ये देखें सारे बेकिंग आइटम्स और आपको कॉस्मेटिक के हवाले से भी ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हुसैनाबाद का इलाका है और ये मेमन फाउंडेशन सीधे हाथ की तरफ जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी जो लड़कियाँ हैं, यंग्स लड़कियाँ हैं, वो जो हैं तो अपने उसके हवाले से जो ब्यूटिशन का कोर्स है वो कर सकती हैं यहाँ पर। और बहुत सारे यहाँ पर जो है ना कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और उनको उसके वो भी दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये देखें आज यहाँ पर बारिश हो रही थी तो मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो ये वही पट्टी है जहाँ से मैं निकल के जा रही हूँ और ये तमाम देखें खाने की पट्टी है। यहाँ तमाम आइटम मिलते हैं, ये तैयबीज़ के नाम से है, ये भी एक रेस्टोरेंट है और ये यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है। ये देखें ये बाबा रबड़ी आ गई है, फूड सेंटर है यहाँ पर। इसी तरह आगे आपको कराची हलीम मिलेगा और स्टूडेंट बिरयानी मिलेगी। ये देखें ये मक्का के नाम से आइसक्रीम है। तो ये जो कराची में जो लोग रहते हैं और इस इलाके को जानते हैं तो ज़रूर जानते होंगे इस इलाके को। और यहाँ ये खाने के मज़ेदार आइटम्स जो हैं वो कौसिया बिरयानी है यहाँ पर। तो ये खाने के मज़ेदार आइटम्स जो हैं यहाँ आपको बेशुमार, और रात भर ये शॉप जो है ना खुली रहती हैं। आप खाने पीने के तमाम लवाजमात यहाँ आप आसानी ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर ये कड़ी खाउसा वगैरह भी सब बहुत मज़े का मिलता है, वो आइटम्स मिलते हैं जो कि हम आम नहीं खा पाते। ये देखिए कराची हलीम की जो है ना ये शॉप है। और ये देखिए यहाँ तमाम फ्रूट जो हैं वो सब्ज़ी वाले सब मुनासिब कीमत में यहाँ पर सब कुछ मिल रहा होता है। तमाम दुनिया की आसाइशें जो है ना वो इस इलाके में मौजूद हैं, आप तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं और बहुत ही मुनासिब रेट पर दस्तियाब होती हैं। तो मुझे तो जब भी ये बेकिंग आइटम्स लेने होते हैं तो मैं इस पट्टी की तरफ ज़रूर निकल जाती हूँ और मैं वहाँ से ये तमाम आइटम्स ले लेती हूँ। इसी तरह ये देखें ये तमाम जो घर के घरेलू अशियाँ हैं वो भी हमें मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं। तो मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि वो ज़रूर आएँ और यहाँ पर जो भी अशिया मुनासिब कीमत में मिल रही हैं वो ज़रूर यहाँ से अवेल करें। कुकिंग के हवाले से, बेकिंग के हवाले से, बेकिंग के तमाम आइटम्स जो हैं वो यहाँ आसानी मिल जाते हैं। आज जब मैं ये शॉपिंग करने के लिए निकली हूँ तो अचानक से बारिश शुरू हो गई थी और फिर हम अपने आप को बचते बचाते जो है हम शॉप पर पहुँचे हैं ताकि हम बआसानी शॉपिंग कर सकें और अपने आप को, अपने और मोबाइल को भी बचा सकें ताकि हम जो है अच्छी से शॉपिंग कर सकें। तो देखिए ये अब हम उस शॉप पर आ गए हैं और यहाँ पर तमाम आइटम्स जो हैं तो हमें मुनासिब कीमत में मिल रहे हैं। देखें ये तमाम अशिया जो हैं शॉप्स के अंदर जो है ना फुल हुई हैं। ये देखें तमाम बेकिंग के आइटम्स हैं इसके अंदर, और मैक्रोनी वगैरह है, ये क्रीम है, और ये देखें ये सब, ये चॉकलेट है, सॉसेजेस वगैरह हैं। ये देखें ये 10 रुपए का साशे, ईस्ट का साशे 10 रुपए का, ये ईस्ट का साशे है, ये सब। और ये आपका ओरिगानो है, ये ओरिगानो है, ये मिक्स हर्ब्स हैं। और देखें यहाँ ऑलिव्स वगैरह बहुत ही कम मिकदार का पैसों में मिल रहे हैं। ये जलोपिनो है, ये 350 रुपए की है। ऑलिव्स में तीन साइज है, ऑलिव के बताइएगा क्या दाम है ऑलिव के। छोटा वाला 450, दरमियाना वाला 620, बड़ा वाला 900। सही, छोटा कोको पाउडर, जेलेटिन पाउडर सारा ही मिल जाता है। और इसके दाम भी बताइएगा। सबके अलग अलग रेट है, बेकिंग सोडा 80 रुपए का, जेलेटिन 240 रुपए का जी, बेकिंग पाउडर 80 रुपए का, बेकिंग पाउडर बड़ा 150 रुपए का जी। ये केचप मेयोनीज लगे हुए, मामाज का है, शंग्रीला का है, सबके डिफरेंट प्राइस है, मार्केट से कम रेट है। अच्छा, ये मामाज का बताइएगा, ये क्वालिटी वाइज कैसा है। क्वालिटी मामाज की बहुत अच्छी क्वालिटी है, गाढ़ा पानी है, बहुत अच्छा मेयोनीज है, बहुत अच्छा केचप है इसका, कंप्लेंट कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, और ये पिज्जा सॉस वगैरह बताइएगा। ये रोजमोर कंपनी का है, 350 रुपए का, शंग्रीला कंपनी का 200 रुपए का। सही,
तो ये मार्केट से बहुत कम रेट होते हैं आपके पास? कम रेटों पे काम होता है हमारे यहाँ। सही। और ये बताइएगा, ये चॉकलेट की स्प्रिट बाल्टी है ना, ये न्यूटेला के नाम से 900 रुपए की है। अच्छा, ऊपर वाली रखी हुई है सुशेला के नाम से, वो 1150 रुपए की है। सही सही सही। और ये बताइएगा, ये जो ऊपर रखे हुए हैं, ये बैक बर्नर का आइटम है ना, मैक्रोनी है, खाउसा है, स्पेगेटी है। सही। ये भी मार्केट से कम रेटों में मिलता है। सही सही सही। और ये बेकिंग आइटम है, ये देखें, ये सब डेकोरेशन के हैं, इसके भी प्राइसेस बता दीजिएगा। 100 रुपीज़ का साशे है, केक डेकोरेशन के लिए है, बॉल वगैरह जो होती है कलरफुल। सही। और ये मैक्रोनी, ये भी आप मार्केट से कम मिलता है, 170 का पैकेट है। सही। और ये क्रीम बताइएगा, ये वाली जो है 100 रुपीज़ की। सही, मार्केट से ये भी। और ये देखें, तमाम बेकिंग के आइटम्स हैं, ये तो आप इसमें बेक कर सकते हैं। और इसी तरह ये देखें, ये सारे सॉसेजेस वगैरह हैं, ये देखेंगे। जी ये चीज़, ये बताइएगा, ये आप आपके जी है, मोटोला है, ओप्पो 50 की शटर है जी, इस तरह की स्लाइस में होती है जी, 1250 रुपये के जी है। सही। ये ऑरेंज में है, ये 1300 रुपये के जी है। सही। ये पफ पेप्सी है, 350 रुपये के जी है। सही। ये विप क्रीम होती है पाउच के अंदर, ये 300 रुपये की। ये मार्केट से बहुत कम रेट है आपके पास? ये होलसेल ले रहे थे ताकि यहाँ मेरी बहनें आए और वो आके शॉपिंग करें। ब्लॉग होता है ये 14 पीस का जी, बिल्कुल 1800 रुपये का। इसी में का मॉडल आपको मिलेगा वो 2300 रुपये का। सही। आप अपनी शॉप का नाम बता दीजिए। शॉप का नाम है ईला। ईला 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 मतलब।